ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज मार्केट ने बड़ा जबरदस्त स्विंग दिखाया, गैप डाउन खुला, फिर मार्केट वन साइड भागता हुआ, बैंक निफ्टी वन साइड डे हाई के आसपास ही क्लोज हुआ। ठीक है, आज एसएल हिट हुआ मेरा, मैंने स्पेशली वो लाइव में दिखाया है कि एसएल किस तरीके से हिट हुआ, और आप देखोगे कि ट्रेडिंग कितना सिंपल होता है। कभी कभी हम चीज़ों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, एक्चुअली में होती नहीं है, लेकिन हम लोग गलत पोजीशन साइजिंग और खराब रिस्क मैनेजमेंट या खराब साइकोलॉजी की वजह से टफ कर देते हैं ट्रेडिंग को। वो मैं डाल दूंगा, आपको मिल जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन था। कल गैप डाउन लग रहा था मेरे को, मुझे लगा 18,000 के नीचे ही खुलेगी मार्केट, 17,950 के आसपास, लेकिन मार्केट खुली 17,780। ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी इतना बड़ा गैप अप या इतना बड़ा गैप डाउन होता है तो अपने को वेट किया, यहाँ पे वेट किया। ठीक है, खुलते ही मार्केट वन साइडेड भागने शुरू करी। कल जिसने भी देखा होगा सेशन, उसका एटलीस्ट एसएल हिट नहीं हुआ होगा, बिकॉज मैंने क्या कहा था, अगर गैप डाउन खुले तो 5 मिनट की कैंडल का वेट करना, लो टूटने पर शॉर्ट करना, नहीं तो नहीं करना, नहीं तो अपने को मिला ही नहीं। ठीक, यहाँ पे मैंने कहा भी था कि अपनी क्वांटिटी साइजिंग स्मॉल रखना। देखो, इतना बड़ा मूव 3% निफ्टी बैंक ने दिखाया, वो ऑलमोस्ट किसी को भी नहीं, कोई कैप्चर नहीं कर सकता कि आप सोचो बिल्कुल लो से पकड़ दो, बिल्कुल हाई पे बेच दे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। चलो चार्ट पे देखते हैं कल एक्सपायरी पे हो क्या सकता है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, मैंने बैंक निफ्टी क्यों शॉर्ट नहीं करी थी, बिकॉज खुलते ही आपका डेटा बैंक निफ्टी का पॉजिटिव था, पहले टिक से ही पॉजिटिव था। दैट मींस मैंने साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि निफ्टी का नेगेटिव था, निफ्टी और बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा ही भाग चली गई। इसलिए मैंने कल ये भी बोला था कि टुमारोज डेटा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्राडे डेटा। ठीक है, चलो चार्ट पे चल के देखते हैं कि कल एक्सपायरी पे क्या हो सकता है। सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं, खुलते ही दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ने वन साइड मूव दिखाया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड ये अपनी रेजिस्टेंस से, जो कल की रेजिस्टेंस थी 18,080। ठीक है, हमने क्या कहा था, अगर हमको फ्रेश बाय करना है ब्रेकआउट वाले डेटा, तो 18,080 के ऊपर ही अपन लोग बाइंग जाएंगे, वहीं से मार्केट ने एक नीचे की तरफ टर्न दिखाया। अच्छा, निफ्टी क्यों परफॉर्म नहीं कर रही थी और बैंक निफ्टी क्यों परफॉर्म कर रही थी, ये आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो क्या हो सकता है। देखो अगेन, अगर आपको एक बड़ी तेजी की तरफ जाना है तो 18,100 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तभी आप समझना कि ऊपर की साइड की आपकी शॉर्ट कवरिंग के लिए बन रहा है। ठीक, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हो, यहाँ पे जिसने इंट्राडे में बाय किया था उसने प्रॉफिट बुकिंग करी, यहाँ पे लास्ट में मार्केट नीचे आ गया। नीचे का डाउन साइड जो आ रहा है वो 17,900 आ रहा है। ठीक है, वो कैसे आ रहा है आपका, ये लेवल जो आ रहा है निकल के यहीं पे 925 का आपका जो लेवल था। ठीक है, मैंने 925 के ही एसएल से 910 पे शॉर्ट करी थी, और देखो मार्केट कितना भागा, और वो वीडियो देख लेना, उससे आपको बहुत लर्निंग्स मिलेंगे। ठीक है, सेलिंग की साइड हम लोग कब प्लान करेंगे, अगर मार्केट यहाँ का हर्डल इस जगह पे आके कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रही है, दैट इज 18,050। ठीक है, यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो अपन लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा अपन शॉर्ट करेंगे 17,925 के नीचे। ठीक है, इसके नीचे, क्योंकि शॉर्ट करने पे अपने को मिल जाएगा, एक बार मैं ऑप्शन चेन पे भी वेरीफाई करूंगा कि लेवल ठीक है या नहीं है। हालांकि हम लोग शॉर्ट साइड पे उतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन दोनों साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस सेक्शन मिल जाए या फिर इसके नीचे जाएगी, तब अपन शॉर्ट करेंगे और ऑप्शन चेन से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। चलो चल के देखते हैं ऑप्शन चेन को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पुट राइटिंग नहीं दिख रही है, मतलब फ्रेश पुट राइटिंग नहीं दिख रही है। ठीक है ना, आपको पहले की पुट्स जो पड़ी हुई हैं और हैवी में वो पड़ी हुई हैं पहले की। ठीक है, सेम चीज़ कॉल्स में भी है, कॉल्स में भी आपको फ्रेश बहुत हैवी, जितना एक्सपायरी भी इतना कम डेटा थोड़ी बनता है वेडनेसडे वाले दिन। ऐसा हुआ क्यों, इसलिए हो रहा है बिकॉज कल किसी को भी नहीं पता मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। आज जिसने कल 18,100 की किसी ने पुट शॉर्ट करी होगी अगर, तो आज मार्केट खुला 400 पॉइंट नीचे। डजेंट मैटर कि मार्केट वहाँ से एक तरफा भागा, लेकिन इसको खुलते कितना मेजर लॉस दिखा होगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ है, इसलिए लोग फ्रेश पोजीशंस नहीं बना के गए हैं, अपने काट के ही गए हैं, जितना जो पहले की है वो पहले की पड़ी हुई है। ऊपर में अगर हम देखते हैं तो आपका पहला हर्डल जो है वो 18,000 है, दैट मीन्स 18,000 पर 56 लाख पुट्स हैं और 55 लाख कॉल्स हैं। ठीक है, ये लेवल आपका मेक और ब्रेक लेवल होगा, मार्केट क्लोज हुआ है 18,000 पे ही एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये अगर इसके आसपास, यानी कि यहाँ से अगर मैं प्रीमियम कलेक्ट कर बात करता हूँ, 80 रुपीज़ ये और 80 रुपीज़ ये, 18,000 में 160 एड प्लस माइनस कर देना, 18,160 ऊपर का लेवल है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने के लिए, और नीचे आप 160 करोगे तो आपका 850 के आसपास आ रहा है, वो लेवल है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने के लिए, जो हीरो जीरो वाली चीज़ है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी हीरो जीरो की क्या पहचान होती है कि आपके ये पुट राइटर्स अगर नीचे की तरफ एक्सपायरी में आपका कवरिंग आ रही, तो ये वाले पुट राइटर्स भागने चालू हो जाएंगे और ये आपके एडिशनल बहुत तेजी से ऐड होने शुरू हो जाएंगे। अगर नीचे जाना है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आना है तो क्या होगा, यहाँ वाले आपके कॉल राइटर्स भागने शुरू हो जाएंगे और ये वाले पुट राइटर्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे, तो समझना ऊपर की तरफ। ये आपका ट्रेड होता है सेकंड हाफ में, हीरो जीरो में जो लोग खेलते हैं। ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ।
नहीं तो सिंपली एक्सपायरी का जो आ रहा है वो निकल के आ रहा है 18,000, ऊपर में देखो कहाँ पे कॉल लेटिंग है सबसे ज़्यादा 69 लाख 18,200, नीचे पे कहाँ पे आ रहा है आपका इतना ही तकरीबन आ रहा है 17,900, ठीक है 900 एंड आपका 70,800, तो रेंज थोड़ी सी बड़ी आ रही है, वाइड निकल के आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको डेटा ही ऐसा है तो क्या करें, है ना। चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे 40,800 अब नाउ विल एक्ट एज अ सपोर्ट, क्यों, बिकॉज यहीं पे ही आपका ब्रेकआउट आया था, अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड यहीं पे ही आपका था, मार्केट ने इस दिन भी क्लोजिंग इसी के ऊपर दी थी, आज इसने नीचे क्लोजिंग दी थी, ये ब्रेकडाउन वाला सिनेरियो था, लेकिन शॉर्ट तो करना ही नहीं था अपन को, ठीक है। तो समवेयर अराउंड 40,800 बाइंग दो जगह पे कर सकते हैं, ये तो 40,800 के आसपास आ जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉफिट प्राइस सेक्शन पॉजिटिव बन जाए, 41,000 राउंड लेवल ले लो, बिकॉज उसमें पोट्रैटिक्स दिखेंगी, अभी हम लोग देख लेंगे उस पर, तो 41,000 के आसपास कोई अपना राउंड लेवल आ जाए तो वहाँ पे अपन लोग बाइंग की साइड कर सकते हैं, अगर प्राइस सेक्शन पॉजिटिव मिलता है, या फिर फ्रेश बाइंग अपन करेंगे इस जो आज का स्विंग है उसके ऊपर। दो चीज़ें याद रखना, पहली ये डायरेक्टली क्रॉस नहीं करना चाहिए, अगर डायरेक्टली क्रॉस करता है तो मुझे उतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लगता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आने का अटेम्प्ट करती है, ठीक है, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करे देन ब्रेकआउट देता है तो वो अपने को अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा अपसाइड के लिए। वो लेवल कितना आ रहा है आपका 41,600 के आसपास का, ठीक है। सेल के लिए हम लोग ऑब्वियसली देखो बैंक इतना मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है, आप अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी सिनेरियो देखते हो उसके बाद भी, आप ईमानदारी से बताना, आपने इमेजिन किया था कि डाउ जो है वो 1000 पॉइंट गिरा है और हमारी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर बढ़ी है, मतलब ये तो फिर इतना बढ़ना एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो शॉर्ट साइड में अभी थोड़ा सा देखेंगे, अगर इंट्राडे, अगेन इंट्राडे में जैसा सिनेरियो बनेगा उस तरीके से अपन लोग शॉर्ट की तरफ देखेंगे, लेकिन शॉर्ट की तरफ उतना एग्रेसिव नहीं होंगे जितना एग्रेसिव बाइंग की तरफ हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, PCR देखना, PCR काफ़ी ओवरबाउंड पे आ गया है, हालांकि कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो सिंपल रखेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी साइजिंग नहीं रखनी है, जैसे आज भी था, आज भी क्वांटिटी साइजिंग ज़्यादा नहीं रखनी थी, ठीक है, वैसे क्वांटिटी साइजिंग थोड़ा सा कम रखेंगे। अभी थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी दिख सकती है, क्यों दिख सकती है, 22 सेप्टेम्बर है फेड की अगेन मीटिंग, ठीक है, फिर अपना 30 सेप्टेम्बर के आसपास अपना भी मीटिंग है RBI का, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव मिल सकता है, तो वो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग थोड़ी कम रखेंगे, ठीक है। इसकी एक बार ऑप्शन चेन इसकी भी देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा पुट्स जो बैठी हैं वो बैठी हैं आपकी 41,000 पे, यानी 41,000 नीचे का लेवल आ रहा है, करेक्ट, ऊपर पे देखते हैं 41,500, थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो दिख रहा है, रीज़न क्या है, 41,500 के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है, 400 है जो बेयर्स के फेवर की तरफ का लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, ठीक है। अब ये जो है 41,500 पे आपकी पुट राइटिंग बहुत हैवी नहीं है सपोर्ट करने के लिए, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी कल हो सकता है ट्विस्ट दिखा दे, जो इतना भाग रही है ना बैंक निफ्टी कल परफॉर्म उतना अच्छा ना करे, क्योंकि आज काफ़ी भी परफॉर्म किया है, हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर जाए 41,000 से लेके 41,600 जो आज का हाई है, आज का 625 के आसपास आई थिंक, वहाँ तक का कंसोलिडेशन बीच में इसमें और यहीं कहीं क्लोज हो जाए, तो हो सकता है थोड़ा सा पॉज दिखा दे। तो आई होप आपको डेटा समझ में आया होगा, प्राइस सेक्शन समझ में आया होगा, किस तरीके से आपका चार्ट्स पड़ा जाता है। आज के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैंने आपको दिखाया कि आज का जो लाइफ ट्रेड में किस तरीके से लॉस होता, कितना कंफर्टेबल होके हम लोगों ने पोजीशन साइजिंग को मैनेज किया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग, हेजिंग आपने वर्ड सुना होगा, उसका मीनिंग क्या होता है। हम कहते हैं ना हैज कर लो, अपनी पोजीशंस को हैज करके जाओ, ओवरनाइट कैरी मत करो, करना है तो हैज के साथ करो। हैज का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट द लॉस, मतलब लॉस को खत्म करता है, या मिटिगेट करता है, मतलब कुछ रिड्यूस करता है, या आपका प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, या नन ऑफ द अबव है। इसका आंसर आप मेरे को बताओ, अगर आपको होगा तो कमेंट सेक्शन में कल हम लोग उसका आंसर देंगे। देन नेक्स्ट, ये वाला अगर आपका जो पैटर्न दिख रहा है, ये चार्ट पैटर्न है, किस कौन सा है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है, नॉलेज भी कंपाउंड होती है, ठीक है, धीरे 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 करके आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, हमारे साथ में अपने लोग नॉलेज को भी इंप्रूव करेंगे अपार्ट फ्रॉम डेली। दो क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।